नमस्कार भाइयों, आज हम शाम के समय में हमारी दवाई डाल रहे हैं और ये मामा देखो हंस रहा है, ये देखो कुछ ज़्यादा दांत निकल रहे हैं इसके। तो क्या हुआ है कि हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है बरसाती कीड़ा जिसको बोला जाता है, और इल्ली का नाम है मारुका। मारुका नाम से आप सर्च करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। इस इल्ली का थोड़ा सा इतिहास जान ले तो कुछ इस प्रकार की इल्ली है कि ये सफ़ेद कलर का एक लार्वा होता है जो कि फूलों के गुच्छों के अंदर अपनी संखी को रखता है, फिर उसमें से पूपा बनता है, एडल्ट होके उड़ जाता है। ये क्या करता है, फूलों को खा खा कर एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और अपने आप को उसके अंदर छुपा लेता है। ये इल्ली का कंट्रोल जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम दवाइयों पर है, लेकिन क्या है कि कुछ कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इसको कंट्रोल करती है, जिन्होंने इसका लेवल क्लेम लिया रखा है। अब बात आती है कि किस किस ने लेवल क्लेम लिया रखा है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड उठाए और डाटाज हैं, डाटा भी मैं आपको पीडीएफ इसमें वीडियो में चलती रहेगी दिखा दूंगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बताया गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे तरफ से है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बताया गया है वो बताया गया है थायोडिकार्ब का। थायोडिकार्ब का कैसे बताया गया, ये हमारे पास रखा हुआ है, हालांकि अब ये शायद बैन हो चुका है। थायोडिकार्ब 75% WP और इसके अंदर ये इसका लेवल है। लेवल मैं आपको फाड़ के बताता हूँ, मैंने खुद ने भी लेवल में पढ़ा, उसी के बाद में मैंने इसका उपयोग किया। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है लेवल इसका, अरे बाप रे बाप, इसकी हालत बड़ी तगड़ी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि हमारी दवाई क्या है, जैसे अटैक हमें दिखा हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हिंदी हिंदी भैया, हिंदी कहाँ गई। सॉरी विद्या माता, मैं पैर लगा रहा इसलिए। तो देखिए, आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा, तो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है कि ये रिकमेंड किया जाता है डायमंड ब्लैक माउथ और फ्रूट ब्रोरर ब्रिंजल के लिए, फ्रूट ब्रोरर चिली के लिए, ब्रोरर ब्लैक ग्राम के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ब्रोरर ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम मतलब होता है उड़द। उड़द और मूंग जो है वो दोनों सेमी सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे ये लिखा हुआ है ब्लैक ग्राम। अब ब्लैक ग्राम के ऊपर इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये नीचे लिखा है मारुका SPP, दिख रहा है आपको। अब इसको आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वही इल्ली है जो आपके खेतों में लगी हुई है। यहाँ पर आपको मैं हिंदी में, हिंदी किधर गया, ये हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है मारुका, मारुका हेलियाथिस उसका पूरा नाम है, या फिर क्या जो भी है वो मारुका हेलियाथिस, मतलब मारुका SPP। ये जो है यही जो एक दवाई है थायोडिकार्ब, इसने लेवल क्लेम लिया रखा है, इसीलिए हमने इसे डाला है। 10 दिन के अंदर अंदर इसका पूरा कंट्रोल आ जाता है, ऐसा कंपनी का कहना है। मतलब 98.88% रिडक्शन है। रिडक्शन है का मतलब ये कि जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नई के लिए 10 दिन बाद आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, हम ये डाल रहे हैं। साथ में उसके साथ जो फुद्दियाँ उड़ रही है, क्योंकि मच्छर उड़ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बायोफेंथ्रिन 10% इसी भी डाल रहे हैं। बायोफेंथ्रिन के साथ एक फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा सा टच पॉइजन है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, साथ में सिस्टमिक भी है। तो ये क्या करेगा कि जो कहीं की ऊपर दिख रही होगी उसे तुरंत वहीं के वहीं सुखा देगा। इस तरीके से ये काम करता है और ये डोडे के अंदर की इल्ली को भी मारता है, इस कारण से हमारी फसल के ऊपर इसका असर भी मिलेगा। तीसरा, हम इसके साथ डाल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर हम एक इंडेक्स का स्प्रे कर चुके हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। दूसरा, हम थोड़ा सा हमारे पौधों को बूस्ट देने के लिए एजॉक्सोबिन और उसके साथ डायफेनाकिनाजोल यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारे उसमें चल रहा है। और इसके साथ में एक दो बायो प्रोडक्ट है जो कि हमारे मार्केट में थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, तो वो भी हम साथ में डाल रहे हैं। आपको नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बायो प्रोडक्ट्स क्या है हर जगह अलग अलग नाम से मिलते हैं, लेकिन मेन मारुका के लिए हम ये डाल रहे हैं। मारुका मतलब मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि मारुका जो है वो एक सफ़ेद कलर की इल्ली है। कोराजन जैसी दवाई से ये कंट्रोल नहीं होती है, फेम से ये कंट्रोल नहीं होती है, उसके बाद आपको बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो है उनसे कंट्रोल नहीं होती है। ये मात्र जो है इस जो बायर का लार्विन नाम से आ रहा है इससे कंट्रोल हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें रिकमेंडेशन दी हुई है, मतलब इसने लेवल क्लेम उसका लिया रखा है। तो यही एक दवाई मुझे दिखी,
उसी के साथ में अगर आप कॉम्बिनेशन करना चाहें तो इसके साथ सबसे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होगा या तो नोवोलुरान लें उसके साथ ईमावेक्टिन लें, या फिर लोफोलुरान लें और उसके साथ ईमावेक्टिन लें। उन दोनों का भी इसमें रिडक्शन है जो कि 60% में आ रहा है, जैसे कि आपको PDF दिखा रहा हूँ। रिनॉक्सीपायर मतलब कोराजन वाले टेक्निकल का रिजल्ट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें नहीं है। उसके साथ लेमडा का नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो रिजल्ट उसमें दे ही नहीं रही, जो सिर्फ 2-3 जो दवाइयाँ हैं जो रिजल्ट दे रही हैं वो आपके सामने हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें अपनी स्प्रे के टाइम पे। और ये हमारा स्प्रे चल रहा है, देख सकते हो आप, क्योंकि दवाई जो है वो हमें डालना इमरजेंसी में पड़ गया, अचानक से हमारे खेत में ये अटैक आया है तो हमने स्टार्ट करवाई। ये मन का आप क्या कर सकते हैं भैया, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डैमेज परसेंट है, मतलब जो नुकसान करने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर, वो इतनी ज़्यादा है कि ये पूरा खेत भी खा जाती है। इसलिए थोड़ा सा बचाव के हिसाब से प्री इमर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में अभी फूल स्टार्ट हुए हैं तो ये प्रोडक्ट और ये सब कॉम्बिनेशन आप पहले ही डाल दें। उससे क्या होगा कि आपको जो है पहले ही रिजल्ट मिल जाएंगे, मतलब आपके खेत में ये आएगी नहीं। और अगर आपके खेत में लग गई है तो ये डालना ही है, इसमें कुछ प्रतिशत बच जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल होगा। 10 दिन थोड़े से लॉन्ग डेज होते हैं, लेकिन धीरे धामा कंट्रोल हो ही जाएगा। इस तरीके से आप ये सब मसाला डाल के अपने आप को बचा सकते हैं। और ये जो वीडियो है मैं यहाँ जल्दी से जल्दी डाल रहा हूँ ताकि किसान भाई इसको समझ सके। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।